फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मिस्ट्री फाइंडर। मैं हूं डॉक्टर देव और मैं हूं राजेश। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टाइटल है इंडिया फॉरेक्स रिजर्व क्रॉस 600 बिलियन, इंडियन स्टूडेंट इन पाकिस्तान। फ्रेंड्स, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। ये वीडियो शायद अब तक की सबसे इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में एक साइड पे बैठेंगे मेरे साथ इंडियन स्टूडेंट्स, जबकि दूसरी साइड पे पाकिस्तानी स्टूडेंट बैठेंगे। हिंदू कम्युनिटी से भी बात करेंगे, क्रिश्चियन कम्युनिटी से भी बात करेंगे, पर बात ये करेंगे कि न्यूज के मुताबिक इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व 600 बिलियन से क्रॉस कर चुके हैं और आने वाले टाइम में ये मजीद आगे की तरफ जाने वाले हैं 2-3 मंथ से। जबकि पाकिस्तान के अगर फॉरेक्स रिजर्व की बात करें तो मुश्किल से 5 बिलियन, कभी 4 बिलियन, कभी 6 बिलियन होते नजर आते हैं, जो कि हमने कभी किसी कंट्री से लोन लेते हैं तो कभी किसी कंट्री से लोन लेते हैं। बांग्लादेश की बात करें, उनके फॉरेक्स रिजर्व हमारे से कई ज्यादा है। क्या वजह है? अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान दुनिया का आबादी के लहाज से पांचवा छठा बड़ा कंट्री है, लेकिन फॉरेक्स रिजर्व के हवाले से बात करें तो दूर दूर तक कंपटीशन हमें नजर नहीं आता, ना इंडिया से ना बांग्लादेश से। इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में क्या पढ़ाया जाता है जानेंगे इंडियन स्टूडेंट से, जो कि मुझे इंटरव्यू के दौरान ही पता चला कि मैं जिनसे बात कर रहा हूँ वो इंडियन है, इंडिया से उन्होंने एजुकेशन हासिल की है, इंडियन सिटीजन, इवन इंडिया के पासपोर्ट होल्डर है। जबकि दूसरी साइड पे जो पाकिस्तानी मिनोरिटी है उनसे भी बात करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, इसको लास्ट तक देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिएगा। मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? यश जाम्बिया। आपका नाम? योगेश। योगेश, और आपका नाम? सुमित। अच्छा, मतलब आप हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हैं? मैं हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग। और आप? हिंदू। जबरदस्त जबरदस्त। सबसे पहले तो अपने आप अपना एजुकेशन के हवाले से बताएं, क्या स्टडी कर रहे हैं, फ्यूचर के हवाले से बताएं क्या, फिर उसके बाद हम टॉपिक की तरफ आते हैं। एजुकेशन मैट्रिक मैंने इंटीरियर से की अपने विलेज टाउन से, फिर बाकी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के लिए मैं यहाँ आया हूँ कराची NCERCET से। हमने साथ की, मेरे सीनियर थे ये, ठीक है, हमने साथ की। अभी फिलहाल वो इटली जा रहा है। अच्छा, फ्यूचर ये है, इटली जा रहा है? ये इटली जा रहा है, इसका मतलब टेस्ट हो गया, यूनिवर्सिटी का वीजा का वेट कर रहा है। मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ, PTE दे रहा हूँ। ठीक है, और ये हमदर्द। आपका कहाँ का प्लान है? मेरा ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया का? आप यहीं पे रहेंगे कि आपका भी कहीं प्लान बना? नहीं, मेरा इधर का ही प्लान है, हमदर्द यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है अभी मैंने। ठीक हो गया। अच्छा, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, और इत्तेफाक से हमें जो मिनोरिटी से हिंदू कम्युनिटी से लोग मिले हैं, खासतौर पे स्टूडेंट, अभी तक शायद मैंने जितनी भी वीडियोज रिकॉर्ड की हैं उनमें इस तरीके से कोई एजुकेटेड अगर बात की जाए या स्टूडेंट्स की बात की जाए इस तरीके से हमने मिनोरिटी से नहीं देखा। देखते हैं ये क्या ओपिनियन रखते हैं, क्या सोच रखते हैं डेवलपमेंट के हवाले से। मुझे ये बताएं, अगर फॉरेक्स रिजर्व्स की बात की जाए, हमारे पाकिस्तान की, इवन बांग्लादेश की बात की जाए, हमारे पास 3 से 4 बिलियन डॉलर ऑलमोस्ट मौजूद हैं, जबकि बांग्लादेश के पास 50+ हैं। और इसके अलावा इंडिया की बात करें, अभी रिपोर्ट आई थी कि उनके पास 600+ बिलियन की अगर बात करें, बिलियन डॉलर की बात करें, वो मौजूद हैं। 650 की कोई बात करता है, कोई 600+ बिलियन डॉलर की बात करता है। इतना फ़र्क आपको नज़र आ रहा है पाकिस्तान में और दूसरे कंट्रीज़ में, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? लाइक अब हम स्टूडेंट्स हैं खुद, हमें इतना कुछ पता नहीं, ना हमने अपनी हिस्ट्री इतनी पढ़ी हुई है। ठीक है, जितना हम कह सकते हैं कि हमारे लीडर्स सही नहीं है। ठीक है, लाइक शुरुआत से हमें करप्शन का माहौल मिला है। अब जैसे हमारे जो सीनियर्स थे, हमारे कजन्स भी, या कोई हमारी तरफ से गवर्नमेंट जॉब्स में जा भी रहा है ना, वो यही सोच रहा है पगार इतनी मिलनी है 50-60 हज़ार, उससे ज़्यादा जाना नहीं है। अच्छा, तो करें कैसे, जुगाड़ कैसे, 50-60 हज़ार तो हमारे ऐसे ही गुजर जा रहे हैं पढ़ाई में। एक महीने बिल्कुल, एक सेमेस्टर की फीस कितनी है वो अगर जाहिर सी बात है, एक सेमेस्टर की फीस इतनी है, बंदा बचेंगे क्या अगर 60 हज़ार कमा रहा है, वो अपने बच्चे को खिलाएगा क्या, पिलाएगा क्या? तो वो इसी साइड जा रहा है कि करप्शन करके कमा लूं। करप्शन की, यानी कि जॉब को तो एक सामने फेस टू रखने की जरूरत है, उसके बाद जो कमाया जाएगा वो करप्शन से ही कमाया जाएगा। ज्यादातर जो माइंडसेट बन जाता है वो ये बन जाता है। आप क्या कहना चाहेंगे कि 50-60 हज़ार, पहले तो जॉब मिलना ही बहुत मुश्किल हो जाता है, उसके बाद 50-60 हज़ार की जॉब और एक सेमेस्टर की शायद इतनी फीस होती है, तो क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान का जो इस टाइम सिस्टम है, खासतौर पर पोलिटिकल सिस्टम की बात की जाए, इंटरनेशनल लेवल की बात की जाए, आपको लगता है कि हम जिस तरह दूसरे कंट्रीज डेवलपमेंट तरफ जा रहे हैं, उनके फॉरेक्स रिजर्व बढ़ रहे हैं, हमारे भी इस तरीके से कोई बेहतरी की तरफ जाने की उम्मीद नजर आ रही है? फिलहाल तो कुछ ऐसा देख नहीं रहा है, क्योंकि बाहर मुल्कों में तो वेजेस सेट किए उन्होंने कि मिनिमम वेज इतना है कि आप कोई भी काम करते हो मिनिमम वेज हम इतना देंगे। ठीक है, इधर भी है वैसे सेट है 25,000, लेकिन कोई फॉलो कर ही नहीं रहा, किसी को कुछ आइडिया ही नहीं है कि मिनिमम वेज है क्या अभी यहाँ पे। तो जैसे अगर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना हुआ है बाहर मुल्कों में, उनको पता है कि एवरेज सैलरी हमारी कुछ
$25 to $30 पर आर है कुछ ऐसा ठीक कुछ है। लेकिन यहाँ पे ऐसा बंदा है कि कोई 50,000 कमा रहा है तो कोई 10 में भी तैयार है काम करने के लिए, मतलब कोई बार सेट ही नहीं है ना कुछ, मतलब एक लिमिट होती है कि इतनी रेंज में हम लोग सैलरी देते हैं या कुछ फिक्स वो चीज़ नहीं है। अच्छा मुझे बताएं आप एज ए पाकिस्तानी एज ए यहाँ सिंध की अगर बात करें क्या, और ख़ास तौर पे हिंदू कम्युनिटी की अगर बात करें, एज ए हिंदू पाकिस्तानी यूथ क्या समझते हैं इंडिया जिस तरीके से डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, वहाँ पे मुस्लिम भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, क्रिश्चियन भी रहते हैं, और 1 अरब 50 करोड़ ऑलमोस्ट 40-50 करोड़ की आबादी है, वो सबको इस तरीके से लेके ना सिर्फ चल रहे हैं बल्कि डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, हम 25 करोड़ को नहीं लेके चल पा रहे प्रॉपर, क्या रीज़न क्या समझते हैं आप? यार देखो यार, यूनिटी नहीं है अपनी, बाकी कंट्रीज़ में चलो इंडिया की बात की जाए, इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है, वो हमसे तो थोड़ा ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा आगे हैं, तो उनकी भी सेम सिचुएशन है पॉलिटिकल, उधर भी करप्शन है, उधर इतना करप्शन नहीं जितना हमारा है, उनका करप्शन सिटीज़ में ख़त्म हो चुका है बिल्कुल, रूरल में चल रहा है, मतलब ट्राइबल एरिया जैसे वडेरा हो गया, वो वहाँ पे भी यही सेम निज़ाम है पर वो रूरल में अपने सिस्टम को खासतौर पे जो मेन सिस्टम है मेन सिटीज़ हैं डिजिटलाइज कर दिया, उन्होंने कर दिया डिजिटलाइज कर दिया है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इम्प्रूव कर दिया है, आपकी ऑफिशियल बिल्डिंग्स है जो आपके ऑफिशियल ऑफिस हैं वो आपने बिल्कुल बेहतरीन कर दिए हैं, यहाँ पर बिल्कुल निज़ाम नहीं है, यहाँ पे आप जाओ नादरा में आपको काम हो जाएगा आपका, और वो कहेंगे 30 दिन लगेंगे आपको, ऊपर साइड में पट्टी वाला बोलेगा 2500 दो 3 दिन में काम करके दूंगा। ठीक है, नहीं इस बात में कोई शक नहीं कि करप्शन दुनिया के हर कंट्री में होगी, ऑलमोस्ट इवन इंडिया में भी करप्शन होगी, पाकिस्तान में भी होगी, लेकिन करप्शन का लेवल क्या है ये चीज़ नोट करने की ज़रूरत है, और बड़ी चीज़ ये नोट करने की ज़रूरत है आप करप्शन कर रहे हो या नहीं कर रहे, ये एक आपका इंटरनल मैटर है हर कंट्री का, लेकिन डेवलपमेंट कौन सा कंट्री कर रहा है ये इंटरनेशनल लेवल पर देखा जाता है। बांग्लादेश की अगर बात करें या आपसे अगर पूछूं, आपका नाम क्या था? सॉरी सुमित। आप भी हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं? ठीक है। अच्छा मुझे बताएं क्या समझते हैं अगर इंडिया डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, अभी जो खबर आ रही है कि $6 बिलियन की जो उनके फॉरेन रिजर्व्स हैं, फॉरेक्स रिजर्व्स हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इसको? यही है कि क्या कहते हैं, यहाँ पे इतना सपोर्ट नहीं करते, जैसे कोई भी कोई टैलेंट हो या किसी कोई बंदे में स्किल्स हो तो उसको इतना ऊपर नहीं जाने देते, जैसे कोई बंदा अगर कोई AI स्पेशलिस्ट हो या जो भी हो, इतनी जॉब्स भी यहाँ अवेलेबल नहीं है, आप इंडिया में जाए, इंडिया में IT की बहुत सारी स्कोप बना हुआ, पूरा तो उनका फिर एक नाम है ना, पूरा एक बना हुआ है, उनका डेवलप हुआ हुआ है पूरी एक कंट्री, एक मतलब उनका एक पूरा निज़ाम चल रहा है, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं है, पूरा पाकिस्तान को कराची को ही देख ले तो कराची 3rd नंबर पे आता है डर्टीएस्ट सिटी में वर्ल्ड के, डर्टीएस्ट सिटी में, हाँ मतलब इसके कचरे के हवाले से, वर्स्ट सिटी जो आती है, ठीक है आप देख लें हर जगह कचरा ही कचरा, हम इसे यहाँ पे सिटी ऑफ लाइट्स कहते हैं, सिटी ऑफ लाइट्स, तो आप सुबह को रात को जला दे सारी लाइट्स, सिटी ऑफ लाइट्स बन गई, ठीक है, ऐसे कोई मुकाम किसी को नहीं दे सकते हैं ना, सिटी देखी जाती है जहाँ पे आप सेफ फील करें, जहाँ पे आप कमाएं, जहाँ पे आपको क्वालिटी एजुकेशन मिले, जहाँ पे आपके बच्चे बढ़ें, चोरी वगैरह ना हो, जहाँ सेफ हो आप मतलब रात को निकल सकें बाहर, रात को खाना खा सकें, ये डर नहीं हो कि आपको 24 घंटे आपके मोबाइल की रफ्तारी करनी है, ऐसे ही है आपको अपने पैसे बचाने, आपने अपने कंट्री के लिए क्या सोचना है जब आपका एक हाथ वैसे ही पॉकेट के ऊपर होता है कि कहीं मोबाइल ना निकल जाए, तो आपने वो कंट्री का बंदा सोचेगा, वो पूछेगा अगर मैं यहाँ बड़ा हूँ, यहाँ पे मैं कमाऊँ, चलो मैं अपनी मेहनत मुशक्कत करके अपने शादी करूँ, बच्चे को करूँ, तो बच्चों को खिलाऊंगा क्या, बच्चे मेरे जाएंगे कहाँ, सेफ होंगे? ठीक है, कल उन्होंने मार दिया, से हम माइनॉरिटीज हैं, बहुत सीन हो रहा है, सबको पता है यहाँ पे जैसे माइनॉरिटीज के साथ जुल्म हो रहा है, इंडिया में मुस्लिम के साथ जुल्म हो रहा है, वो भी माइनॉरिटीज हैं, ठीक है, तो अच्छा नहीं अभी एक यहाँ पे मंदिर की खबर सुनी थी जिसको हम कवर करने आए थे, यहाँ पे श्री मारी माता का मंदिर है जिसे डिमोलिश किया गया, और ये चीज़ें थी, ये चीज़ें मतलब, अच्छा इंटीरियर सिंध में तो ये चीज़ें ज़्यादा सुनने को मिलती हैं, बहुत ज़्यादा है, जब मेरा खुद का एक शहर है घोटकी, वहाँ पे इतने हालात ख़राब हो गए हैं कि आप हिंदू कम्युनिटी 6 के बाद निकल नहीं सकती, अच्छा वहाँ पे मतलब पुलिस इतना प्रोटोकॉल दे रही है कि 6 के बाद आप नहीं निकले, आपकी अपनी हिफाजत है, 6 के बाद निकलना मत करो, ये गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा किया जा रहा है। अच्छा टॉपिक के साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे, मतलब माइनॉरिटी है और खास तौर पे इंटीरियर सीन से हैं, तो ये थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करें, ये गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा किया जाता है या लोग आपस में इस तरीके से मुतनफर हो चुके हैं कि हिंदुओं को देख के जो उनसे 6 बजे के बाद वो बाहर ही नहीं निकल सकते? नहीं वो तो हमारी सेफ्टी के लिए वो कर रही है ना पुलिस, तो के आप 6 से बाद नहीं निकले, आप रात में निकल लें हम आपकी हिफाजत नहीं कर सकते, क्योंकि रात में किनसे नहीं कर सकते, यानी किससे डर है? अब मैं किसी कम्युनिटी को नाम तो नहीं दे सकता ना, ऐसे खराब हो जाएगा ना, बाकी सब इंसान ही है, ऐसे हम सब इंसान ही आपस में, कोई अभी नाम देने गलत बात है, ऐसे ही है, नाम लेना एक तो गलत बात भी है, दूसरे नंबर पे नाम लेके इश्यूज भी हो जाते हैं, इस वजह से नाम ना लिया जाए तो वो ही इनके लिए ज़्यादा बेहतर है। लेकिन ये देखें, ये एक एजुकेटेड जो पाकिस्तान की यूथ है, माइनॉरिटी से बिलोंग करती है, हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करती है, उनकी ये सोच है, और शायद बाहर जाने की रीज़न भी तो यही नहीं कि बाहर जाके सेट हो, ईमानदारी से बताइएगा। जाहिर सी बात है, अब
फ्री लैंग्वेज में बोला जाए तो इजी हो के बिल्कुल बंदा कचरे से निकल के वापस कचरे में नहीं आता। यही सोच होती है सब कि अगर बाहर जाएंगे कमाएंगे अच्छा खास एजुकेशन मिलेगी अच्छी तरीके से कमाएंगे वहाँ पे सेटल हो जाएंगे अगर रहा तो माँ बाप को भी वहाँ बुलवा लेंगे सबकी यही ख्वाहिश होती है। अभी यहाँ पे रहना कौन पसंद कर रहा है? मतलब पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं आपको? मोहब्बत तो सबको है, मोहब्बत तो लाइक अब यहाँ पे आप नारे लगवाना शुरू कर दे आई लव पाकिस्तान हजार लोग बोल लेंगे आई लव पाकिस्तान पर प्रैक्टिकली कौन क्या प्रैक्टिकल कोई पसंद नहीं करता पाकिस्तान को। सब अंदरूनी बोलेंगे यार मुल्क खराब हो रहा है देश खराब हो रहा है पॉलिटिशियन हराम खो रहे हैं हर कोई बोलेगा पर ठीक करने के लिए आगे कोई नहीं आएगा। यही बात है कि मतलब हम यहाँ पे मैं ये बात पहले भी अपने कुछ वीडियोस में कह चुका हूँ कि भाई पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद नो डाउट नारा भी लगाना अपनी जगह अच्छी बात है लेकिन सिर्फ नारा लगाने से क्या होता है? हम मैंने पाकिस्तान के लिए आज तक क्या किया बेहतरी के लिए ये मुझे खुद से पूछना है। हमारे पॉलिटिशियन जो ये नारे लगवाते हैं उन्हें ये पूछना है कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए किया क्या है। बांग्लादेश हमारे से यही लैदा हुआ कितना टाइम बाद 1971 में वो एक कंट्री बना आज उनके अगर फॉरेक्स रिजर्व की बात की जाए तो वो हमारे से ज्यादा नहीं कई गुना ज्यादा हैं $50 बिलियन से ज्यादा हैं एटलीस्ट। तो ये हमारे लिए सोचने वाली बात है। आप क्या कहेंगे इनकी बातें सुन के? तो मैं एक दफ़ा ज़रा हैरान हुआ हूँ कि मतलब जिस तरीके से इन्होंने बोला है कि भाई मैं बाहर जा रहा हूँ अपनी फैमिली को भी बाहर ले जाऊँगा। आप पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को कैसे देखते हैं? मेरा भी बिल्कुल सेम ही मतलब कहना है क्योंकि मैं भी असल में इटली इसी वजह से जा रहा हूँ क्योंकि आगे तो मुझे कुछ फ्यूचर यहाँ पे दिख नहीं रहा है। जैसे मुल्क भी डूबता जा रहा है इकोनॉमी भी जैसे गिरती जा रही है हमारी एयरपोर्ट्स तक हमने बेच दिए अपने एयरपोर्ट्स भी कतर को मेरे ख्याल से तीनों एयरपोर्ट्स यूएई को जो उनसे अगर पोर्ट्स की बात करें सऊदीया और यूएई को जो उनसे हमने वो लीज के गिरवी रख मतलब मुल्क जब अपना ही मतलब कुछ है नहीं हमारे पास तो हम लोग रह के क्या करें यहाँ। एक सवालिया निशान है कि मतलब पाकिस्तान में रहना है पाकिस्तान से मोहब्बत करनी है लेकिन ये नहीं पता कि पाकिस्तान के जो उनसे जो बड़ी बड़ी अहम चीज़ें हैं बिल्डिंग्स हैं वो तो ऑलरेडी पाकिस्तान से बाहर जा चुकी हैं। ऑफिशियली अगर बात करें उनके ऊपर जो काम कर रहे हैं वो कोई चाइना कर रहा है कोई सऊदीया कर रहा है कोई यूएई कर रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि एजुकेशन सिस्टम इंडिया का और पाकिस्तान का क्या फ़र्क है, क्या अगर वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं तो अपने एजुकेशन सिस्टम की वजह से जा रहे हैं अपने पॉलिटिशियंस की वजह से जा रहे हैं किस वजह? कोई तो रीज़न होती है ना। इवन बांग्लादेश की अगर मैं आपसे बात कर लूँ कभी आपने सोचा होगा ऐसा? वेल जहाँ तक मैंने सुना है ये खुद इंडिया से रह के आए हैं। अच्छा अभी शिफ्ट इनको मतलब आप कब आए वहाँ से? 2018 में लोग यहाँ से मैं सुन रहा हूँ कि बड़ी तादाद में हिंदू कम्युनिटी की अगर बात करें वो पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट हो रहे हैं शिफ्ट हो रहे हैं। आप इंडिया से यहाँ माइग्रेट हो गए? फैमिली पहले यहाँ से थी। अच्छा हम लोग फादर वगैरह वहाँ पे थे तो हम लोग ने माइग्रेट यहाँ पे कर दिया। ठीक है कौन से सिटी में आप रहते थे? हम लोग अहमदाबाद से अहमदाबाद में रहते थे। तो मुझे ये बताएं वहाँ के जो यूथ है अगर उधर के यूथ की बात करें यहाँ की यूथ की बात करें आप तो वहाँ रह के आए हैं क्या फ़र्क है? सोच में फ़र्क है कोई एजुकेशन में फ़र्क है? वहाँ ये है कि यहाँ पे आप अगर 6th या 7th क्लास के बच्चे को ले लें तो उसको कोडिंग के बारे में कुछ पता नहीं होगा ठीक है। इतना कुछ आइडिया नहीं होगा। वहाँ के आप किसी 5th क्लास के बच्चे को पकड़ लें तो उसको भी कोडिंग आती होगी। अच्छा आपने बोला यहाँ के 6th या 7th मैं कहता हूँ यहाँ के आप मैट्रिक के बच्चे को ले लें फर्स्ट ईयर के बच्चे को ले लें उन्हें कोडिंग मैं ऐसी बात है ये सेकंड ईयर के बच्चे को ले लें या ये अभी ज़ेबिस में पढ़ रहे हैं इसकी क्या कहते हैं अपना ये ज़ेबिस में जो अभी पढ़ रहा है इसके जो सर इसको सिखा रहे हैं मैंने वही चीजें देखी वो मेरे दोस्त बोल रहे ये सर तो मैं इनको सर को पढ़ा दूं बैठ के वैसे सर अच्छा इंडिया से जो लोग हैं वो कहते हैं ये तो हम 5वीं 6वीं क्लास में पढ़ चुके हैं ठीक है। क्या अगर इंडिया आगे जा रहा है वो एजुकेशन सिस्टम की वजह से जा रहा है? आप तो वहाँ पे रहे हैं कितना टाइम वहाँ पे रहे हैं? मैं तकरीबन 6 या 7 साल वहाँ रह चुका हूँ। 6-7 साल एजुकेशन भी वहाँ से हासिल की आधी वहाँ से मतलब गवर्नमेंट स्कूल से गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट प्राइवेट इंस्टीट्यूट से क्या नाम था उसका? भाई है मेरा वो। आप इंडिया से ही हैं मतलब ठीक है। मैं पहली दफ़ा किसी ऐसे नौजवान से मिल रहा हूँ किसी ऐसे पाकिस्तानी से मिल रहा हूँ जो कि अपनी एजुकेशन इंडिया से हासिल करके आए हैं आधी एजुकेशन। और ये बताएं अभी आप इंडियन हैं या पाकिस्तानी? मतलब आपका आईडी कार्ड यहाँ का है वहाँ का है क्या सीन है? मैं समझा वीजा के बेस पे स्टे कर रहे हैं हम लोग। पाकिस्तानी वीजा है लेकिन नेशनलिटी इंडियन है पासपोर्ट इंडियन है हमारा पापा पाकिस्तानी है तो उनके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे रुके। ठीक हो गया। अच्छा एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहा था कौन से स्कूल में आपने एजुकेशन हासिल की वहाँ पे? मैं पिनाकल पब्लिक स्कूल में था जो अहमदाबाद में और मैं 8th क्लास तक वहीं पे पढ़ा हूँ लेकिन उसमें ज़मीन आसमान का डिफरेंस है क्योंकि हम लोग कोडिंग तभी स्टार्ट करते हैं जब हम लोग किसी यूनिवर्सिटी में एनरोल होते हैं लेकिन वहाँ पे मतलब बेसिक हमें 6th-5th क्लास से ही मतलब HTML CSS सिखाना स्टार्ट करते हैं। वो चीज़ें जो हम यहाँ पे यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं वो वहाँ पे 5th या 6th क्लास में ही पढ़ा दी जाती है। फाउंडेशन स्टार्ट हो जाता है वहीं से कि बच्चों का मतलब एकदम क्लियर हो जाता है कि आगे हमें करना क्या है। आप क्या कह रहे थे? वहाँ पे चॉइस ज़्यादा है लाइक
आप बचपन से आप अपने सब्जेक्ट चूज सकते हैं, वहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत है सब्जेक्ट्स में, लाइक पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, यहाँ पे आप इंटरमीडिएट को ले लें, कहीं कहाँ है हमारे पास, यहाँ पे सिर्फ AO लेवल वालों को मिलता है ये प्रिविलेज। बिल्कुल ऐसे हमारे पास प्रिविलेज नहीं है, हम ना वर्ल्ड एथिक्स चूज कर सकते हैं, ना वर्ल्ड पॉपुलेशन चूज करते हैं, वर्ल्ड रिलीजियस चूज नहीं कर सकते, आप फिलोसफी चूज नहीं कर सकते, सोशियोलॉजी चूज नहीं कर सकते, ये चीज़ें मैटर करती हैं, ये चीज़ें आपको इंसान बनने की तमीज देती है। बिल्कुल, सबसे एजुकेशन का मकसद ये है कि सबसे पहले आप इंसान बनो, खुद को इंसान समझो, ना कि हिंदू, ना कि मुस्लिम, ना कि क्रिश्चियन, ना कि सिख। लेकिन यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे अगर इस्लामियात की बात करें, नो डाउट मुसलमानों के लिए वो कंपलसरी है, होनी भी चाहिए, लेकिन आप लोगों को अगर देखा जाए बहुत से ऐसे स्कूल हैं, क्या आपको हिंदुओं के हवाले से कोई बुक्स पाकिस्तान के सिस्टम में है जो पढ़ाई जाए, जैसे हमारे लिए कंपलसरी है इस्लामियात, तो आपके लिए भी तो बेसिक like, जो मेरे कॉलेज में था ना, नहीं स्कूल कॉलेज में तो मेरे स्कूल में भी आई वॉज दी ओनली गाय इन माई क्लास टू स्टडी एथिक्स। अच्छा, मतलब इस्लामियात नहीं थी, इस्लामियात थी पर वो कह रहे थे अगर तुम्हें लेनी है तो लो, टीचर नहीं है हमारे पास। अच्छा, पढ़ाने के लिए टीचर नहीं है, तुम्हें खुद ही पढ़नी पड़ेगी। बुक्स थी, बुक्स मतलब रेलिवेंट नहीं है बुक्स में आपको, एथिक्स डजंट मीन ए रिलीजियस सब्जेक्ट, इट्स एन मतलब एथिक्स, मैनर्स, हाउ टू बिहेव, हाउ टू लिव, राइट्स वगैरह, ऐसे रिलीजियस हवाले से अगर मैं, जैसे हम इस्लामियत पढ़ सकते हैं, आप हिंदुइज्म के हवाले से कोई बुक नहीं, बुक नहीं है वैसे, आपको अलग से एक छोटे से कम्युनिटी है जैसे उनके अपने स्कूल्स होते हैं छोटे से, आप जहाँ रिलीजन के बारे में पढ़ सकते हैं, लाइक एवरी मंदिर हैज इट ओन स्कूल। ठीक है, उन्होंने जो चीज़ एक्सप्लेन की है, लेकिन उसे मैं डिटेल से ये बता सकता हूँ कि स्कूल में यानी कि आपके टेक्स्ट बुक के सिस्टम में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, कोई ऐसा सिलेबस में ऐसी चीज़ मौजूद नहीं है, लेकिन अगर कोई मंदिर में जाके या आपका कोई अपना कोई इस तरीके से अगर इंस्टीट्यूट है कम्युनिटी में जाके आप पढ़ते हैं, वो तो एक अलहदा चीज़ आती है। मुझे ये बताइएगा आप, मैं जानना चाहता हूँ, मुझे बड़ा इंटरेस्ट डेवलप हुआ आपकी बात सुन के कि आपने इंडिया से एजुकेशन हासिल किया, ना सिर्फ एजुकेशन हासिल किया, आप इस टाइम इंडियन पासपोर्ट होल्डर हैं, इंडियन सिटीज़न अगर मैं कहूँ तो आप इंडियन सिटीज़न हैं, तो मुझे ये बताएं जो यहाँ पे तासुर दिया जाता है कि वहाँ पे मुसलमानों को मारा जा रहा है, नस्ल कशी की जा रही है, क्या अहमदाबाद की खास तौर पे अगर बात करें, वहाँ पे तो मुस्लिम रहते भी हैं, तो ईमानदारी से बताइएगा कि क्या वहाँ पे सब न्यूट्रल है या कुछ इशू हैं? जितना टाइम मैं रहा हूँ मतलब मुझे तो कुछ ऐसा कुछ फ़र्क नहीं लगा, क्योंकि रमज़ानों में भी हम लोग घूमे पूरी पूरी रात। अच्छा। वहाँ पे मतलब एरियाज़ भी हैं जहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी ज़्यादा रहती है, और वो एरियाज़ भी पूरी पूरी रात मतलब रोशनी रहती है। सोशल मीडिया पे ऐसी वीडियोस देखी हैं, इवन रमजान में अफतारी हिंदू करवा रहे हैं और ये चीजें हो रही हैं, इवन पार्ट ईद पे हिंदू जो उनसे मुसलमान की दावत पे जा रहे हैं, कुछ वीडियोस देखी हैं, लेकिन वीडियो उस तरीके से अथेंटिक नहीं जैसे आप बताएंगे। नहीं, वो फेस्टिवल्स भी आपस में सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, क्योंकि पापा के काफी दोस्त भी हैं मुस्लिम्स वहाँ पे। अच्छा, और उनके साथ ही हमारा घर पे आना जाना रहता है, मतलब ऐसे सच को हमने कोई डिस्क्रिमिनेशन वगैरह कुछ देखा है नहीं, ऐसा नहीं देखा। क्या समझते हैं, अगर यही सवाल मैं पाकिस्तान को लेके करूं कि यहाँ पे जो मिनोरिटीज़ हैं, जैसे मैंने पूछा वहाँ पे मुस्लिम कैसे रहते हैं आपने बताया, यहाँ पे जो हिंदू हैं वो कैसे रहते हैं, वही चीज़ भी मुझे भी बिल्कुल वैसे ही सेम फील हो रहा है, कोई फर्क कुछ दिख रही नहीं, दिख नहीं रहा, लेकिन इन्होंने बोला 6 बजे के बाद हम लोग बाहर रहेंगे, इंटीरियर में उनको कुछ दिख रहा होगा, वो इंटीरियर वो एक मेंटेलिटी है पीपल की। देखिए, हम ये नहीं है कि हम कोई जहाँ पढ़ते हैं जहाँ हम पढ़ के आए मेजोरिटी मुस्लिम से, अब हमने उनसे दोस्ती नहीं की, हमने उनके साथ इफ्तारी नहीं की, हमने उनके साथ खाना नहीं खाया, सब कुछ किया, मतलब साथ जाने से, पिकनिक मनाने से, मतलब पिकनिक्स पे जाने दोस्ती वगैरह करने से, हर चीज जो दोस्त करते हैं, लेकिन जो इंटीरियर या कुछ बैकवर्ड एरियाज हैं वहाँ पे सोच लोगों की सोच होती है, मेन बात होती है लोगों की सोच, यहाँ पे भी ऐसे लोग की सोच है, ये नहीं होनी चाहिए, इंटीरियर में भी और ज्यादा सोच है क्योंकि वहाँ अवेयरनेस नहीं है, यहाँ पे एक्सट्रीमिज्म नहीं होना चाहिए, मतलब ठीक हो गया, ऐसे ऐसे तो कोई फेस एक्सट्रीमिज्म किया नहीं अभी तक हमने, ठीक हो गया, लेकिन यही चीज़ें। अच्छा, वहाँ पे तो आपने बोला अफ्तारी भी करते हैं सब कुछ, यहाँ पे एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है या मैंने कोई वीडियोस वगैरह देखी कि यहाँ पे बैठ के खाना नहीं साथ खा सकते हिंदू मुस्लिम या मुस्लिम थोड़ा। सो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, और स्वयं भाई ने आपने जो वीडियो बना रहे हो और आपकी वीडियो हम रेगुलर देख रहे हैं और बहुत ही अच्छा वीडियो बना रहे हो, आपकी वीडियो हम इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि आप जो है उसको फैक्ट की ओर ले जा रहे हो, मतलब फैक्ट लाने के लिए, मतलब जो सत्यता छुपी हुई है कोई भी चीज़ के पीछे उसको आप बाहर लाते हो, और वो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। बात रही दूसरी की इंडिया जो है वो 600 बिलियन जो उसका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो हो चुका है, वो भी बात सही है, 600+ हुआ है, और ऐसे ही इंडिया आगे बढ़ेगा और उसके लिए हम भी श्योर हैं क्योंकि फॉरेन जो रिजर्व है वो हर मंथ और हर वीक बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे जो कंट्रीज है वो अभी इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है और वहाँ नई नई जो स्टार्टअप कंपनियाँ हैं वो भी अभी इंडिया में आ रही है, बड़ी बड़ी कंपनियाँ भी इंडिया में आ रही है, तो उससे इंडिया में इकोनॉमी के लिए
भी ग्रोथ अच्छा मिल रहा है और उसके अलावा फॉरेन रिजर्व भी अच्छे बन रहे हैं इंडिया में, ठीक है। तो ये और दूसरी बात है कि वीडियो में बहुत सारी अपने डिटेल्स जानी, जो भाई जो जो भी लड़के वहां पे थे उनमें से एक ही आई थिंक मोमेडियन था ना, नहीं वो सब हिंदू, हाँ सब हिंदू थे, सब हाँ सब सभी हिंदू हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जैसे पाकिस्तान में उसको माइनॉरिटी बोला जाता है हिंदुओं को, बट वो थोड़ी बहुत बातें हमें लगी कि छह बजे के बाद निकल नहीं सकते हैं, ठीक है। और करप्शन, हाँ करप्शन की बात तो मेन थी कि करप्शन की वजह से वो लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो देखो करप्शन सभी कंट्री में होता है, ऐसा नहीं कि इंडिया में करप्शन नहीं होता, करप्शन नाम की चीज हर एक कंट्री में, कंट्री छोटा हो बड़ा हो, इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो या ना हो, और उसके पास फॉरेन रिजर्व जो फॉरेक्स रिजर्व होता है वो हो या ना हो, बट लेकिन जो करप्शन हो सभी कंट्री में होता है। हाँ फर्क इतना होता है कि कोई कंट्री में जो सरकार है वो ज्यादा होता है, कोई कंट्री में कम होता है। इंडिया में भी था करप्शन, अब बहुत ही कम हो चुका है, लेकिन है इंडिया में, हमेशा नहीं कह रहा हूँ इंडिया करप्शन के मामले में उसको क्लीन चिट हुई, ऐसा कुछ नहीं, यहाँ में भी करप्शन होता है और बट इतना नहीं हो रहा पहले से बहुत कम हुआ। हाँ पहले से तो बहुत डाउन हुआ है करप्शन, लेकिन करप्शन होता है इंडिया में भी होता है, उसके लिए हम भी एग्री करते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, कोई उसमें कुछ छुपाने जैसी चीज नहीं है, उसमें झूठ बोलने की कोई चीज है नहीं, क्योंकि जो है वो है। और दूसरी बात यह रही कि पाकिस्तान में करप्शन ज्यादा हो रहा है, वो भी बात सही है, खुद आप पाकिस्तान में नहीं कह रहा पाकिस्तानी आवाम बोल रहे हैं। और दूसरी ये बात है कि देखो कंट्री हमेशा, जो मेरी थिंकिंग है जो मेरी सोच है वो मैं आपको बताना चाहूंगा, कोई भी कंट्री हो स्ट्रॉन्ग है, फॉरेन एक्सचेंज हो या फॉरेन रिजर्व हो या इकोनॉमिक कंट्री का इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हो, वो सब हम हमेशा यंगस्टर के हाथ में ही होता है, जो आने वाली जो पीढ़ी है उसके ऊपर डिपेंड होता है, मैं ये समझ रहा हूँ, क्योंकि जितना यंगस्टर कर सकते उतने मतलब बुजुर्ग लोग नहीं कर सकते, उसकी भी एक लिमिट होती है, रिटायरमेंट होता है वगैरह, और हर हमेशा कोई कंट्री जितना यंग होगा ना वो कंट्री उतना आगे जाएगा, ये 110% आप लिख के ले लो। एक कंट्री का नाम मैं भूल गया था, वहां पे अभी भी कंट्री एक्चुअली मेरे को नाम नहीं पता, बट वहां पे क्या कि जो बॉर्न रेट है ना वो कम कर दिया था, मतलब अब वहां पे मतलब हस्बैंड वाइफ तो उसको एक ही बच्चा, एक बच्चे में मतलब किसी को तो बच्चे भी नहीं, ऐसे ऐसा एक कंट्री है। तो अब उस कंट्री वो कंट्री बहुत ही डाउन जा रहा है, वहाँ की सरकार मेहनत कर रही है कि अब जो यंगस्टर है वो शादी के बाद और बच्चे पैदा करे, और उसके लिए वो अलग अलग गवर्नमेंट वहाँ की स्कीम, अलग अलग बच्चों के लिए स्कीम चला रही है, अलग अलग कार्टून मूवी बना रही है। एक्चुअली दोस्तों आपको उस कंट्री का नाम पता हो, मैं एक्चुअली मेरे को दिमाग में था बट मैं भूल गया उस कंट्री का नाम, और आई थिंक जहाँ तक मेरे को पता जापान है या कोने में को नहीं पता, कंट्री बड़ी है, छोटी कंट्री भी नहीं है। वहां पे अभी क्या है कि जो यंगस्टर है वो खत्म हो गए, और उसकी वजह से वहां की इकोनॉमी भी डाउन हो रही है, और उसके पास वहां पे जो मिलिट्री वगैरह होती है उसमें भी बंदे है नहीं, कम पड़ रहे हैं। तो जिस जो कंट्री बूढ़ा हो जाएगा ना उस कंट्री की हालत वैसे भी खराब होने वाली। तो यंगस्टर हाँ बच्चे ज्यादा पैदा करना, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ उससे कि आप बच्चे ज्यादा पैदा करने लगो, उससे कोई बेनिफिट नहीं है, जिस कंट्री के पास इकोनॉमिकली स्ट्रांग ना हो, उसके लिए इकोनॉमी बढ़ाने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी, और ये पाकिस्तान में है नहीं, क्योंकि वहां पे क्या कि जो बंदा स्कूल में कॉलेज खत्म करने को आएगा तो कॉलेज में आएगा तो वो एक ही चीज सोचेगा कि मैं इस कंट्री को छोड़ के बाहर चलूंगा, वो उससे क्या फायदा हुआ, ज्यादा से ज्यादा कुछ हाँ हर एक चीज सही है कि उसकी फैमिली के लिए अच्छा है, लेकिन वहां पे जाके भी देश के लिए कुछ अच्छा करे तो अच्छा है ना, वहां पे जाके नो डाउट आप वहां पे कमा रहे हो और कुछ भी पैसा बचता है वो आप आपकी कंट्री में फैमिली को भेज रहे हो, वो बात सही है, बट वहां पे कुछ डेवलपमेंट करो ना, आपकी कंट्री के नाम पे डेवलप करो। जैसे कि इंडिया के लोग जाते तो वहां पे जाने के बाद बड़ी बड़ी कंपनी के तो CEO बनते हैं, वहां पे खुद का रेस्टोरेंट खोलते हैं, वहां पे खुद का अलग से बिजनेस करते हैं, तो उससे दोनों को फायदा है। तो ये चीज होनी जरूरी है जो पाकिस्तान में अभी नहीं हो रही है, और पाकिस्तान में करप्शन ज्यादा है, उसका रीजन पॉलिटिक्स है वो हम कह सकते हैं, क्योंकि जहां पे भी करप्शन ज्यादा होता है वहां पे आई थिंक पॉलिटिक्स आर्ट होता ही होता है, उसके बिना ये हो नहीं सकता। तो वीडियो हमें बहुत ही अच्छा लगा दोस्तों, आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।